अर्पित शर्मा ठेकेदार निकला मध्य प्रदेश शासन में खेल मंत्री। यशोधरा राजे सिंधिया के टैंकर चुराने वाले चोर, टैंकर के साथ जालिया भी चोरी, आखिर चोर कौन। नगरपालिका से कई फाइल्स भी चोरी, नगरपालिका से बड़ी संख्या में बैरिकेड्स भी गायब। आखिर नगरपालिका के पुराना कबाड़ा कहां गायब। नगरपालिका में ठेकेदारी करता है अर्पित शर्मा, टैंकर चोर। शिवपुरी में नगरपालिका में एक बात तो चरितार्थ नजर आ रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा। क्योंकि शिवपुरी नगरपालिका में एक ठेकेदार अर्पित शर्मा का लंबे समय से कई घोटालों में नाम आया। घटिया सड़क निर्माण, नगरपालिका से जबरदस्ती फाइल्स ले जाना। सूत्रों की माने तो नगरपालिका से कई पुरानी फाइल्स गायब है, जिसमें हाल ही में हुए रोड रेस्टोरेशन घोटाला, जो कि लगभग 4.5 करोड़ का हुआ है, उसमें भी फर्म शिवम कंस्ट्रक्शंस को भुगतान हुआ है, जिसकी फाइल नगरपालिका से गायब है। शिवपुरी में गर्मियां चरम पर है, कई वार्डों में पानी की भारी किल्लत है। पानी के किल्लत के कारण जब नगरपालिका को अपने टैंकर कम पड़े, तब पता चला कि नगरपालिका से ही टैंकर गायब है। इस मामले को नगरपालिका पार्षद नीलम बघेल ने सीएमओ और अध्यक्ष के सामने उठाया और कहा गायब है। महाराज साहब के टैंकर नगरपालिका में एकदम सन्नाटा खिंच गया। लेकिन नगरपालिका को आखिर जब एक ठेकेदार ने नगरपालिका बना दिया हो तो किसी के कान में जू तक नहीं लेंगी। फिर पूरा मामला आया श्रीमंत महाराज साहब के संज्ञान में और उन्होंने पूरी नगरपालिका और प्रशासन की क्लास ली। जब इस शहर और मेरी नगरपालिका में मेरे ही टैंकर सुरक्षित नहीं तो आखिर जनता का क्या हाल होगा। तुरंत SP शिवपुरी को निर्देशित किया, मुझे मेरे टैंकर चाहिए और वो टैंकर चोर जिसने भी मेरे टैंकर चुराने की हिम्मत की है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फिर ये जिम्मेदारी मिलती है। शिवपुरी शहर कोतवाली TI अमित भदौरिया को एक शानदार कार्यशैली के दम पर सिर्फ कुछ ही दिनों में पहला टैंकर ठेकेदार अर्पित शर्मा के घर के बाहर से जब्त किया, जिसके स्वरूप को बदल दिया गया था, जिससे कोई उस टैंकर को पहचान ना सके। फिर दो टैंकर और शिवपुरी इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़े गए। गौरतलब है कि RD मीनिंग वर्कशॉप के ओनर रामदयाल ओझा पुलिस के पास पहुंचे और बताया कि 24 या 25 तारीख को अर्पित शर्मा आया और मुझे दो टैंकर बोला, इनको पेंट डेंटिंग और थोड़ा छोटा कर दो। रामदयाल बोला कि अभी तो नहीं हो पाएगा, लेबर नहीं, काम भी ज्यादा है, 7 या 8 दिन बाद करूंगा। फिर टैंकर रखवा आ गया, बोला तुम तो कर देना, मैं एडवांस भी डाल दूंगा। और उसी दिन एडवांस 50,000 रुपये फोन पे के माध्यम से मेरे पास आ गए। फिर कुछ दिन बाद फेसबुक और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि कुछ नगरपालिका के टैंकर चोरी हुए हैं और अर्पित शर्मा भी नगरपालिका में ठेकेदारी करता है, तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उसने पहले कॉल नहीं उठाया, फिर मुझे व्हाट्सएप कॉल किया। मेरी बात हुई, मैंने बोला कि आप अपने टैंकर और पैसा ले जाओ, मैं पैसा नहीं ले सकता और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसने मुझसे बोला, टैंकर और पैसा सब तुम्हारा है, उन टैंकरों को काट दो और नहीं तो तुम समझ लो कि तुम्हारा क्या होगा। फिर बार बार मुझे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकाता रहा। मैं और मेरा पूरा परिवार घबरा गया और पूरी रात सो नहीं पाया। उसी रात अर्पित शर्मा ने व्हाट्सएप कॉल करके मुझसे कहा, आज की रात आखिरी है, टैंकर काट दो, नहीं तो तेरे साथ क्या होगा तू समझ भी नहीं पाएगा। फिर मैं खुद पुलिस के पास गया और पूरी बात बताई। फिर उन टैंकरों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया और अपने बयान दिए। फिर कोतवाली से निकलते ही मुझे धमकी देने लगा, फिर मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कल नगरपालिका शिवपुरी ने गोला गाल में निर्माण की कई जालियों की भी FIR करवाई, जहां जालिया झांसी पोलन कनेक्टिंग रोड पर भगोरा के पास एक फार्म हाउस पर लगी मिली, जो फार्म हाउस अर्पित शर्मा को बताया जा रहा है, जिस पर शिवम कंस्ट्रक्शंस का बोर्ड भी लगा हुआ है। आखिर कौन शिवपुरी में क्राइम की इतनी बड़ी विवादत लिखने वाले ठेकेदार के घर पुलिस 2 बार दस्तक दे चुकी है, लेकिन ठेकेदार अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर बताया जा रहा है। वहीं ठेकेदार अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल भी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अब ऊंट किस करवट बैठता है। 8-10 दिन पहले एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें विधायक निधि के 4 टैंकर चोरी हो गए थे। उनकी पता राशि करते हुए अभी तक 3 टैंकर हम लोगों ने जब्त कर लिए। नगर पालिका के ठेकेदार अर्पित शर्मा के द्वारा खुद करने के प्रयास में थे, उनको जब्त कर लिया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है जमानती धाराओं में। इसमें एक टैंकर और आरोपी की गिरफ्तारी होना शेष है और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करें और टैंकर को जब्त करें।
जिसमें अगर उसके साथ और कोई भी शामिल होगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल झा। रामदयाल जी, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में आज ये टैंकर मिले हैं, आपने खुद आके टैंकर दिलवाए हैं पुलिस को, पुलिस के सुपुर्दगी करवाई, क्या मामला है ये मामला? पता नहीं, अखबार में आई थी 4-5 दिन पहले के आया, तो मैंने कहा यार जो उसको बोला तो ले। टैंकर किसकी है ये? ये टैंकर को ठेकेदार है, कोई अर्पित शर्मा है, कौन है? अच्छा, उन्होंने आपको दिए थे? हाँ, उन्होंने काई के लिए दिए थे, बोले दिया रिपेयरिंग कर दो इनको, बोले कलर वाला चेंज कर दो इनकी, और बोले इसमें कुछ मेंटेनेंस कर दो। अच्छा, मेरे पास लेबर नहीं थी उस टाइम पर, तो मैंने कहा नहीं हो पाया, तो मेरे जगह। कितनी तारीख को दिए थे आपको? 24-25 तारीख में दिए। अच्छा 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 अच्छा। और फिर इसको मेरे पास लेबर नहीं थी, तो मैंने इनको रखवा दिया, मैंने कहा भैया लेबर आएगी तो करूँगा, तो फिर पेपर में देखा, मैंने कहा ये तो अच्छे टैंकर विवाद वाले हैं, तो मैंने उससे बोला कि भैया ये तो हम नहीं कर पाएंगे, और ना इसमें हो सकता है टैंकर, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि तो उन्होंने आपसे कुछ बोला भी इस विषय में? उन्होंने बोला कि इसको जल्दी से जल्दी काम करके दो हमें। अच्छा, कुछ पैसे वैसे भी दिए थे? हाँ, 50,000 रुपये दिए उन्होंने। काय के माध्यम से दिए थे? और टैंकर मेंटेनेंस करके दिए। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब किससे दिए उन्होंने? कैश दिए थे, कैसे दिए थे? नहीं, वो तो फोन पे दिए थे। फोन पे के माध्यम से दिए थे।